दोस्तों, क्या यह जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर धोखाधड़ी हुई है और वो पुलिस स्टेशन जाए अपने मामले को लेकर, वो कंप्लेंट लिखवाना चाहता है, एफआईआर कटवाना चाहता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसने धोखाधड़ी की है उसके साथ में, पैसा उसका पूरा ठग लिया, झूठ बोलकर और धोखाधड़ी कर दी, तो क्या पुलिस आपकी कंप्लेंट लिखेगी, क्या पुलिस आपकी एफआईआर लिखेगी? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। बेशक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ललिता कुमारी वाला, बट इसके बावजूद भी पुलिस आपकी एफआईआर लिखती नहीं है। वो क्यों नहीं लिखती है? वो पुख्ता सबूत मांगते हैं, और पुख्ता सबूत मांगते भी हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके अगेंस्ट आप एफआईआर कटवाने गए वो एक रसूखदार व्यक्ति था। 400 BC में एफआईआर कटवाना एक तरह से एक पूरी महाभारत हो जाती है किसी व्यक्ति के लिए, बट वो एफआईआर नहीं कटवाता और फिर जाना पड़ता है उसे कोर्ट, कोर्ट का सहारा लेता है, 56(3) में जाता है, वकील साहब का सहारा लेकर फिर जाकर उसकी एफआईआर दर्ज होती है। अगर आपके साथ भी कोई धोखाधड़ी किसी भी तरह से हुई है, पैसे की ठगी हुई है आपके साथ में, आप चाहते हैं किसी के अगेंस्ट 400 BC में कंप्लेंट करवाना, और 400 BC के साथ साथ ही और कौन कौन से सेक्शंस आपको ऐड कराने जरूरी हैं ताकि वो व्यक्ति अरेस्ट भी हो और जेल भी जाए, क्योंकि 400 BC में पुलिस भेज ही देगी, जेल जरूरी नहीं। आज उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, धोखाधड़ी के मामलों को किस तरह से आपको चलाना चाहिए, किस तरह से एफआईआर कटवानी चाहिए और कंप्लेंट कैसी बनानी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा अपने इस वीडियो में। और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो गया है और आप उसमें निर्दोष है तो कैसे आप उससे निकलेंगे, इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धोखाधड़ी किसी के भी साथ हुई, धोखाधड़ी बहुत तरह से हो सकती है। मान लीजिए कि आपने कुछ सामान खरीदने के लिए किसी को कोई पेमेंट की, उसने वो सामान आपको भेजा ही नहीं, पेमेंट भी अपने पास रख ली, या ऐसा भी हो सकता है उसने जो माल भेजा आपके पास वो माल ही गलत आया, आप जब पेमेंट मांगते हो तो पेमेंट वो वापस करता नहीं है। या दूसरे मामले को आप देखिए, किसी भी व्यक्ति ने किसी से भी पैसा लिया कि मैं आपको प्रॉपर्टी सेल करूंगा, पैसा ले लिया, पैसा लेने के बाद में उसने बेशक से एग्रीमेंट टू सेल तो कर लिया बट आगे के अब वो पेपर्स नहीं कर रहा है, तो ऐसे मामले में भी धोखाधड़ी हो गई। या मान लीजिए कि किसी भी तरह से आपने किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर दी, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद या तो आपको डिलीवरी नहीं मिली और डिलीवरी आपको मिली भी तो सामान गलत था। धोखाधड़ी बहुत तरह से हो सकती है दोस्तों। धोखाधड़ी 1 रुपये से लेकर 1,000 करोड़ तक, लाखों करोड़ तक, हजारों करोड़ तक हो सकती है, डिपेंड करता है मामला क्या है। जैसा मामला होता है, जितने की धोखाधड़ी की जाती है उस तरीके से ही उसको टैकल भी किया जाता है। पर आप पहले आप ये समझ लीजिए कि छोटे से मामले में, धोखाधड़ी के मामले में क्या गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप किसी के ऊपर कंप्लेंट करना चाहते हैं धोखाधड़ी में, तो कंप्लेंट जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना लिखें। जल्दबाजी में आप कंप्लेंट लिख लेंगे, जाकर पुलिस स्टेशन में दे देंगे, उसके बाद वो उस पर कोई एक्शन नहीं करेंगे, बेशक से आप कंप्लेंट को जाकर रिसीव करा लें, जल्दी से एक्शन करेंगे नहीं। हालांकि दोस्तों, ललिता कुमारी वाला एक जजमेंट आया जिसके अंदर की ये बताया गया कि जितने भी मामले सीरियस नेचर के, सीरियस अपराध हों और जिसमें एफआईआर काटी जानी चाहिए, उन मामलों में एफआईआर काटनी चाहिए पुलिस को, बट पुलिस ज्यादातर ऐसे मामलों को दाएं बाएं कर देती है पर उस पर एक्शन लेती नहीं है। उसके बाद आप क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, पुलिस के आला अधिकारी को भी कंप्लेंट करते हैं, उसके बावजूद आपको कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है। मैं आपको पहले से ही बताता हूं, खास करके जब धोखाधड़ी के मामले हों तो शुरू से ही किसी भी वकील साहब की आप एक एडवाइस लें, उनसे कहें कंप्लेंट बना कर दें, अपनी सारी बातों को आप उनसे डिस्कस करें, पूरी अच्छी एक कंप्लेंट बनवाएं, और कंप्लेंट के अंदर जितना ज़्यादा हो सके, अगर आपको किसी भी तरह से उसने फॉर्ज डॉक्यूमेंट भी कुछ दिया था, अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ बेचने के लिए फॉर्ज बिल रेडी कर लेते हैं, या ऐसा भी देखा गया किसी इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी पर आपसे अगर कोई लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, तो वो फर्जी तरह का कोई डॉक्यूमेंट रेडी कर लेता है, या ऐसा भी होता है कई बार कोई चीज़ बेचने के लिए एक फर्जी सर्टिफिकेट रेडी कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में 467-468 भी पिक्चर में आता है, जिसमें कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान होता है, और अगर वही धोखाधड़ी
आपके साथ अगर ऑनलाइन तरीके से हुई है तो वहां 66 सी और 66 डी भी आ जाता है, और दो से ज्यादा लोग अगर उसके अंदर हैं, दो या दो से ज्यादा लोग अगर उस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वहां 120 बी भी लगेगा। आपको करना क्या है, आप सिंपल पहले ये समझ लीजिए, आप गए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराने के लिए, पुलिस आपकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करती, और ऐसा होता है, आपकी पुलिस कंप्लेंट एक्सेप्ट करेगी नहीं धोखाधड़ी में, आपको 156(3) का सहारा लेना ही होगा, आपको वकील साहब के पास जाना ही होगा। और अगर ऐसा है तो आप क्यों नहीं शुरू से ही एडवाइस ले लेते हैं, क्योंकि आपके वकील साहब आपको एक ऐसी बहुत जोरदार और बहुत स्ट्रांग एक कंप्लेंट बनाकर दे सकते हैं जिसमें FIR दर्ज उस व्यक्ति के अगेंस्ट होगी ही होगी। और अगर पुलिस ने आपके बार बार कहने पर भी अगर FIR दर्ज नहीं की है तो आपको सीधा कोर्ट का सहारा तो आपको लेना ही चाहिए। कोशिश आप हमेशा से कीजिए, जितनी भी पेमेंट आप किसी को भी देते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर करें या चेक के द्वारा दें। कई बार आपको लोग चेक देते हैं और चेक पर कुछ कुछ बात लिखते हैं, जैसे कि सेल्फ का चेक दे दिया, पे योर सेल्फ का चेक दे दिया, ये सब चेक आप बिल्कुल मत लिया कीजिए। चेक लेना है अपने नाम से लीजिए, अपने नाम से चेक लोगे तो आप जा सकते हो 138 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि NI एक्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें चेक बाउंसिंग के मामले जाते हैं। पर लोग जो चालाक होते हैं, जो धोखा करना जानते हैं, जो फ्रॉडस्टर्स लोग होते हैं, वो अक्सर आपको सेल्फ का चेक काट के देंगे या फिर योर सेल्फ और NEFT लिख देंगे, ऐसी कुछ बातें लिख देंगे जहां आपका नाम नहीं आता। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और चार्जशीट जब बनती है 156(3) का, बेशक से मुकदमा आपने दर्ज करा लिया, जब चार्जशीट बनती है तो पुलिस अक्सर वहां पर 41A का नोटिस दे देती है, जिससे भी वो आदमी बच जाता है। आपको कभी भी धोखाधड़ी में कंप्लेंट करवानी है, बहुत अच्छे से कंप्लेंट बनवानी है अपने वकील साहब से, उसके बाद जाना है पुलिस स्टेशन में, कंप्लेंट देनी है। क्या पुलिस स्टेशन में जाकर ही आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी? क्या पुलिस ही सिर्फ और सिर्फ एक अंत एक आप ऑप्शन बचता है कि जहां से आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस ही सिर्फ अंतिम ऑप्शन नहीं है, आपको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, 56(3) की एप्लीकेशन लगानी चाहिए, और 56(3) के थ्रू आपकी FIR भी दर्ज होगी, वो व्यक्ति भी अरेस्ट होगा अगर उसके अंदर आपने सेक्शंस अच्छे से डाले होंगे। दोस्तों, धोखाधड़ी का जो मामला है, ये मामला इतना तेजी से, अब जब से ये ऑनलाइन वर्ल्ड सब कुछ शुरू हो गया, जब से ये सब कुछ ऑनलाइन आ गया, तब से तो ये फ्रॉड और ज्यादा शुरू हो गए हैं। आप अक्सर देखते हैं कि आपके अकाउंट से पैसा उड़ जाता है, अक्सर ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, चीजों को बेचने के नाम पर फ्रॉड होते हैं, लोग आपसे पैसा मांगते हैं, फ्रॉड करते हैं, कई बार गलत आपको फ्रॉड चीज दे दी जाती है, प्रॉपर्टी नाम कराने पर पैसा ले लेते हैं, बाद में फ्रॉड करते हैं, उधार पैसा मांगते हैं, फिर फ्रॉड होता है, ऐसी बहुत तरह की चीज धोखाधड़ी में आती है। दोस्तों, धोखाधड़ी का मामला कभी भी आपके साथ होता है, हालांकि आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं, बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगा नहीं, आप हमेशा जब भी कंप्लेंट करना चाहते हैं, आप हमेशा बहुत ही स्ट्रांग एक कंप्लेंट को बनाएं, बहुत स्ट्रांग कंप्लेंट आप हैंड रिटन लिखें। हालांकि आप पुलिस स्टेशन जाओगे, पुलिस स्टेशन जाने के बाद आप कहोगे धोखाधड़ी की मुझे कंप्लेंट लिखवानी है, कंप्लेंट हालांकि उनको लिखनी पड़ेगी, यही बोलता है देश का कानून, बट यहां पर पुलिस वाले हमेशा उन चीजों को दाएं बाएं करते हैं, हमेशा अवॉइड करते हैं, और आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है, वकील साहब का आप सहारा लेंगे। धोखाधड़ी के मामलों में घबराएं नहीं, कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है, ऑनलाइन कंप्लेंट कर दें, ऑनलाइन कंप्लेंट करने का भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, बशर्त यह है कि आप उस कंप्लेंट को जितना ज्यादा हो सके उतना मजबूत बनाएं, ताकि जब जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हो वो कम से कम अरेस्ट तो हो, कहीं ऐसा ना हो कि 417 IPC में उसको छोड़ दिया जाए। और अगर ऐसा आप करते हैं तो दोस्तों कंप्लेंट आपकी निराधार हो जाएगी, किसी काम की रहेगी नहीं। आप कोई भी किसी भी तरह की मदद चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं अपने केस के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछें, और अपने केस के बारे में कोई डिस्कशन चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप कानूनी जानकार बना सकें, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।